It's a sign that the Congress party is shaken up, completely shaken up, and trying to, as usual, spend money to come out with half-truths, a tenure which has been completely marked with price rise, unending corruption, total lack of accountability, can spend any amount of money and come up with its publicity campaign, can throw the allegation at every opposition party, but the people of this country are watching. You really can't be doing this when you have failed to answer both in the parliament and outside. पार्लियामेंट चलाने में और उसमें भाग लेने में हम हर कदम तैयार है, मगर जब एक बार भी सरकार से उनके गलतियों को अपनाने के लिए कोशिश नहीं होती, और अब जैसे पिछले तीन दिन से पहले हुआ, दो मंत्री जिनके ऊपर इतना सीरियस आरोप आया, उनका इस्तीफा हम मांग रहे थे, और वो इस्तीफा कब मिला? सिर्फ एक दिन के बाद, जब पार्लियामेंट को बंद करने के बाद। अगर ये पार्लियामेंट बंद करने से पहले ही लेते, पार्लियामेंट चलाना सबको आसान होता, मगर कांग्रेस कभी भी उनके पक्ष से विपक्षी दलों के साथ काम करने के लिए कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो घमंड है और विपक्षी दलों को विपक्ष नहीं मानते, उनको उनके एनिमी मानते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट चलाने में उनका आपत्ति है, हमारा नहीं। एक और अनाउंसमेंट, माननीय राजनाथ जी का एक प्रेस रिलीज भी है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाह रही थी, मगर उसकी कॉपी, हाँ, रिगार्डिंग श्री नवाज शरीफ्स विक्ट्री, मैं सिर्फ एक बार पढ़ लेती हूँ, इसको वेबसाइट में भी से आप निकाल सकते हैं। द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज अ वेलकम डेवलपमेंट। द बीजेपी कंग्रेचुलेट्स श्री नवाज शरीफ ऑन हिज हिस्टोरिक इलेक्टोरल विक्ट्री। श्री शरीफ स्टेटमेंट्स ऑन रीबिल्डिंग रिलेशंस विद इंडिया आर अ पॉजिटिव वन। सिंस मिस्टर शरीफ हैज पब्लिकली स्टेटेड टू पिक अप द पीसेस ऑफ 1999 पीस प्रोसेस, वी होप दैट द एजेंडा फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन इज नॉट हाईजैक्ड by the vested interests operating from Pakistan. Keeping in view our past experiences with Pakistan, the BJP views Mr. Sharif's statements with cautious optimism. We hope Mr. Nawaz Sharif is able to walk the talk. Ye maniya Rajnath ji ka statement hai, aaj release wo bhi hoga. Thank you.